हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की। आयु संबंधित प्रश्नों में दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, योग पर आधारित पूछा जाता है, अंतर पर आधारित पूछा जाता है और एक प्रश्न और पूछा जाता है जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, सभी तरह के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मोना तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, मोना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रेजेंट आपको हमेशा बीच में रखना है, प्रेजेंट को बीच में रखेंगे, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति हैं? मोना और विकास। तो प्रेजेंट में दो व्यक्ति हैं, एक तो मोना है और एक विकास है, और इनका अनुपात वर्तमान का कितना है? 9:10। ये प्रेजेंट का अनुपात है, 9:10 कब का है दोस्तों? ये आपका प्रेजेंट का है। अब यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा प्रेजेंट है। अगर पूर्व कहे तो ऊपर की तरफ जाना है, और बाद कहे दोस्तों तो नीचे की तरफ आना है। याद रखिएगा, पूर्व कहे तो ऊपर की तरफ जाइए, बाद कहे तो नीचे की तरफ आइए, ठीक है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो हम 4 वर्ष बाद आ गए नीचे, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमने मोना विकास की आयु का अनुपात लिख लिया प्रेजेंट का, 4 वर्ष बाद की बात की है तो हम 4 वर्ष नीचे आ जाएंगे, और 4 वर्ष बाद का अनुपात जो दे रखा वो लिख लिया। यहाँ तक तो कुछ नया हमने किया नहीं है। अब काम करेंगे दोस्तों, ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको नीचे वाली संख्याओं का अंतर करके लिखना है। तो 11:12 का अंतर दोस्तों कितना आएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 12 निम्मा कितना होता है? आप कहेंगे सर 108। 11 धामे कितना होता है? आप कहेंगे सर 110। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का अंतर कर लो, 108 110 का अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 आएगा, बटे में 2 रख लीजिए। गुना कितना करेंगे? जितने वर्ष बाद की बात है उतने से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं 2 से कटाऊंगा 4 को, 2 बार में कटेगा, 1 कमल पे 2 से होने पर 2 ही आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो किसी को अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा, प्रश्न में कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब आपसे जो पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। वर्तमान आयु कितनी है? किसकी? मोना की। वर्तमान की दोस्तों आयु पूछ रहा है, कहाँ की? प्रेजेंट की पूछ रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट की वो पूछ रहा है तो आप इसका मल्टीप्लाई प्रेजेंट वाले अनुपात से मत कीजिए, जो दूसरा अनुपात है उससे कीजिए। हमेशा याद रखना कि अगर वो प्रेजेंट की पूछ रहा है तो प्रेजेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद का पूछ रहा है तो बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई नहीं करना, पूर्व का पूछ रहा है तो पूर्व वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, याद रखना। अब यहाँ पर हमसे वर्तमान का पूछ रहा है तो वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, जो दूसरा दे रखा है 4 वर्ष बाद का उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मोना का 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? 11। तो 2 का मल्टीप्लाई में 11 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद मोना की आयु कितनी है? 22। लेकिन हमसे प्रेजेंट में पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 22 से 4 वर्ष पहले आऊँगा, प्रेजेंट में आऊँगा, क्योंकि ये जो आयु है हमारी 22, ये 4 वर्ष बाद की है, और प्रेजेंट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 वर्ष पहले आऊँगा। तो 22 में से मैं 4 घटा दूँगा, कितना बचेगा? 18। तो मोना की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, 18 वर्ष पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार और समझ लीजिए शुरू से। सबसे पहले नीचे वाले अनुपात का अंतर लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर बटे में लिखना है, जितने वर्ष की बात है उतने से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आपसे वर्तमान का पूछ रहा है तो वर्तमान से मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे से करना है, याद रखिएगा, जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना। सबकी समझ में कंसेप्ट अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था, 10 वर्ष पहले। देखिए, ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट, प्रेजेंट से मैं कहाँ चला जाऊँ? 10 वर्ष पहले चला जाऊँ। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है? पहले जा रहे हैं। किस किस का? ए और बी दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? ए और बी दो व्यक्ति हैं। इनका अनुपात कितने था 10 वर्ष पहले? इनका अनुपात था 10 वर्ष पहले 3:5 था। इतनी बात क्लियर है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। इनकी आयु क्या है? इनकी आयु पूछ रहा है दोस्तों क्या है।
मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, सबसे पहले यही तो बताया कि नीचे वाले अनुपातों का अंतर कीजिए, दो और तीन का अंतर एक आएगा। फिर मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर, तीन त्रिक का नौ, दो पच्चे दस, तो नौ और दस का अंतर कितना आएगा, एक ही तो आएगा, और जितने वर्ष की बात है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक से दस को काटेंगे तो दस बार ही तो आएगा। अब इनका क्या पूछ रहा है वो देखिए, पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु क्या है, मतलब प्रेजेंट की पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रेजेंट की पूछ रहा है तो प्रेजेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, आई बात समझ में, प्रेजेंट की जब पूछ रहा है तो प्रेजेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे से करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा 10 वर्ष पहले के अनुपात से, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 से करूंगा तो ये 50 हो जाएगा, लेकिन कब का हो गया ये, 5 10 वर्ष पहले का हो गया ना, हमें तो प्रेजेंट का है, तो 10 वर्ष पहले से हमें प्रेजेंट में आना है, तो 10 जोड़ना पड़ेगा ए की आयु में भी और बी की आयु में भी। ये जो आयु निकल के आई है 10 वर्ष पहले की निकल के आई है, हमें प्रेजेंट में चाहिए, तो पहले से प्रेजेंट में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसमें भी 10 जोड़ूंगा और इसमें भी 10 जोड़ूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। क्लियर, तो इनकी वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है, 40 और 60 वर्ष है, डी ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रश्न का सही आंसर। बात आ गई समझ में, हमसे जब प्रेजेंट का अनुपात पूछ रहा है तो प्रेजेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये याद रखिएगा, जो पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, मतलब एक फादर होगा और एक सन होगा, ठीक है, ये फादर हो गया सन, पुत्र की आयु उसके, देखिए व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, अगर पुत्र की एक होगी तो उसके व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इतना तो कन्फर्म है, ये इनका रेशियो हो गया, व्यक्ति की जो आयु है उसके पुत्र से 5 गुना है, तो व्यक्ति पुत्र की आयु एक होगी तो उसके बाप की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए हम कहाँ जाते हैं दोस्तों, ऊपर जाते हैं, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, अगर पुत्र की आयु एक है तो उस व्यक्ति की कितनी होगी, 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट का अनुपात भी हो गया हमारे पास, 5 वर्ष पहले का अनुपात भी हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछ रहा है इस व्यक्ति की, सिंपल है, सबसे पहले वही कीजिए, नीचे वाले अनुपातों का अंतर मैंने बताया 5 और एक का अंतर कितना आएगा 4, बटे में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका अंतर, एक का दशमलव पे 10 ही रहेगा, 5 के एक में 5 रहेगा, 10 5 का अंतर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जो वर्ष रहता है उससे, 5 वर्ष है, 5 से 5 कट गया कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वर्तमान की, तो वर्तमान से अनुपात से मल्टीप्लाई मत कीजिए, जो दूसरा है उससे कीजिए। तो व्यक्ति की पूछ रहा है ना, तो व्यक्ति का रेशियो कितना है 5 वर्ष पहले का, 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, यहीं पर कर देते हैं तो 40 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने 5 वर्ष पहले की निकाली इस व्यक्ति की आयु, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है ना, तो देखिए 40 है 5 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान में के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, तो 40 में आप करेंगे 5 तो कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, 45 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी व्यक्ति की। सिंपल सा प्रश्न था, डी ऑप्शन सही हो गया। अगर ऐसे प्रश्नों में आप गलती करेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे, आप खुद सोचिए, इतने आसान प्रश्न है, मैं इतनी आसान टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, कभी भी, इतनी आसान मैं आपके लिए टेक्निक बता रहा हूँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है, किस किस का, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 5:4, इनकी आयु का योग है 81 साल, योग कितना है 81 है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था अनुपात वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, योग वाले, अंतर वाले, और एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। अब ये कैसे प्रश्न चालू हो गए आपके, योग वाले। अब जब योग आपके पास 81 है तो अनुपातों का भी योग कर दीजिए, मैंने आपको यही तो बताया, अगर योग दे रखा है तो अनुपातों का योग करो, अंतर दे रखा है तो अनुपातों का अंतर, एलसीएम हो अनुपातों का एलसीएम, जो दे रखा है वही अनुपात का। जब योग है तो इनका भी योग कर लो, 5 और 4 9, तो इस योग में इस योग से डिवाइड करेंगे, 9 * 81 9 बार जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो राम का रेशियो है कितना, राम का रेशियो 5 है, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 9 25
45। यह आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया 45। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। यह आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न आएंगे, बस वीडियो अंत तक देखना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में एक व्यक्ति, मतलब इस प्रेजेंट में क्या होगा, एक फादर होगा और क्या होगा, उसके पुत्र की बात कही है तो उसका सन होगा, और इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 100 वर्ष का। यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया, इनका योग दिया है 100 वर्ष का वर्तमान का। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान से प्रेजेंट से आप 5 वर्ष पहले चले जाइए। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान से 10 वर्ष बाद की कह रहा है। समझ में आ गई दोस्तों बात, वर्तमान से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि यहां पर इनका रेशियो क्या होगा। सिंपल तरीके से समझेंगे, प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, दोनों की आयु का योग 100 वर्ष है। अब 5 वर्ष पहले का हमारे पास रेशियो है। अब देखिए, ये फादर वर्तमान में 5 वर्ष में इसे ले जाऊंगा ऊपर, तो 5 वर्ष घट जाएंगी, इसकी भी 5 वर्ष घटेंगी, और इसके बेटे को, इसके सन को भी 5 वर्ष में पहले ले जाऊंगा तो इसकी भी घट जाएंगी। 5 इसकी घटेंगी, 5 इसकी घटेंगी, तो 100 वर्ष में से टोटल कितनी घटेंगी, 10। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 100 है, तो मैं 5 वर्ष पहले ले जाऊंगा तो 5 इसकी भी कम होंगी, 5 इसकी भी, दोनों की मिला के टोटल 10 कम होंगी, तो दोनों का योग 5 वर्ष पहले कितना था, 90। अब आपके पास योग 90 है तो अनुपातों का भी योग कर लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार। इतनी बात तो कन्फर्म होगी, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पर अनुपात क्या होगा। तो देखिए, 30 का मल्टीपल मैं कितने से करूँगा, 2 से करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 60। 30 से कम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ का अनुपात बताना है, तो देखिए 60 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाऊँगा, 65 का। 65 में 10 जोड़ूंगा कितनी हो जाएगी मेरी उम्र, यहाँ पर 75, ठीक है। 30 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 35। 35 में 10 जोड़ूंगा 45, ये उनकी उम्र होगी। लेकिन अनुपात पूछ रहा है तो कटा दीजिए, 15 से कटेगा, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5:3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 5:3 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट में लक्ष्मी और उसकी माता, इनका अनुपात कितना है, 3:11 है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो सबकी समझ में बात आ गई, 3:11 है दोनों का अनुपात। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर देखिए क्या कह रहा है, इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। आपको अंतर दे रखा है 24 वर्ष का, जब आपको अंतर 24 वर्ष का दे रखा है तो आप क्या करेंगे, अनुपातों का भी अंतर करेंगे। 3 और 11 का अंतर कितना आएगा, 8। तो इस अंतर से इस अंतर में डिवाइड किया, 8 × 3 = 24, 3 बार में जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या पूछ रहा है उसे देखिए, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो वर्तमान है, 3 वर्ष बाद आ जाइए नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बाद की बात कहे तो नीचे आएंगे, और पहले की बात कहे, पूर्व की बात कहे, तो ऊपर जाएंगे। 3 वर्ष बाद की इनका आयु का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए, यहाँ का अनुपात पूछ रहा है ना बाद का, तो बाद से तो हमें मल्टीप्लाई कोई करना ही नहीं है, प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और 3 × 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 33। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, 9 और 33 है। अब देखिए, इसकी 9 है वर्तमान में, मैं 3 वर्ष बाद आऊँगा तो 9 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 12। इसको भी 3 वर्ष बाद लाऊंगा, 33 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 36। इनका मुझसे अनुपात पूछ रहा है, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, 1:3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, पहला ऑप्शन सही। सबकी समझ में दोस्तों बात आ चुकी है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जो ये कहे कि हमारी समझ में नहीं आया, अब तो सबकी समझ में पक्का आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष हो तो पंकज और रमेश की आयु का योग क्या होगा। मैं इन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा था जो आपको परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो आज के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। यहाँ कह रहा है, समीर पंकज से उतना ही छोटा है,
ये दोस्तों समीर है, ये किससे छोटा है, पंकज से छोटा है। कितना छोटा है, यहाँ पर देखिए समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। ये जो समीर है ये पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि रमेश से बड़ा है। तो ये आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा कि नहीं होगा। समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना इससे बड़ा है। मान लीजिए समीर पंकज से एक फीट छोटा है तो एक फीट ही इससे बड़ा है, तो बराबर हो गया कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर होगा, बस इसी फॉर्म में लिख दीजिए। पी से छोटा है एस तो माइनस कर दीजिए, बराबर एस से छोटा है आर तो एस में से इसको छोटा है तो घटा दीजिए इसको भी। एक एस दो, एक एस मिलके कितने हो जाएंगे, दो एस, बराबर इधर क्या आ जाएगा, ये पी इधर आ जाएगा और ये आर हो जाएगा तो पी प्लस आर हो जाएगा। टू एस की वैल्यू कितनी है, समीर, एस मतलब समीर, तो समीर की आयु कितनी है, 20 है, तो मैं 2 × 20 आ जाएगा, समीर की जगह 20 आ जाएगा। पी प्लस आर, 20 का मल्टीपल 2 से कर देंगे 40 हो जाएगा, तो पंकज प्लस रमेश, पी से पंकज आर से रमेश चल रहा है, यही तो पूछा है। पंकज और रमेश की आयु का योग क्या होगा, पंकज और रमेश की आयु का योग कितना होगा, 40 वर्ष होगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। इसी प्रश्न की बात कर रहा था मैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, कन्फ्यूज करेगा, लेकिन आज के बाद नहीं करेगा, ये हम बता रहे हैं आज के बाद नहीं करेगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। देखिए ये जो राजेश है ना ये अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है, ये उतना कि जितना कि प्रशांत से बड़ा है। ये राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए ए से छोटा है आर तो मैं इसे ए माइनस आर लिख दूंगा, बराबर आर से छोटा है पी तो मैं इसे आर में से घटा दूंगा पी को। अब एक आर मिलके कितना हो जाएगा, दो आर हो जाएगा, बराबर ए इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस पी हो जाएगा। ये पी है दोस्तों, डी मत समझना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, दो इंटू आर, बराबर ए प्लस पी कितना दे रखा है, ए से मतलब अनिल, पी मतलब प्रशांत, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो दोनों का योग हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 48 दे रखा है, तो मैं इन दोनों की जगह 48 लिख लूँगा। पूछ किसका रहा, राजेश की आयु पूछ रहा है, इस राजेश की आयु पूछ रहा है कितनी होगी, राजेश की निकालनी है 48, ये दो इधर मल्टीप्लाई में जहाँ बटे में आ जाएगा, दो से 48 को कटाऊँगा 24 आ जाएगा। तो राजेश की उम्र कितनी है, राजेश की उम्र कितनी है दोस्तों, राजेश की उम्र है 24 वर्ष। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी इन प्रश्नों में अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।